मजीद एजुकेशनल एंड जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंह ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। तमाम दोस्तों को टीम पैगाम सिंह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे सारे दोस्त खुश होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस में मसरूफ होंगे और भरपूर तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। अच्छा, जैसा कि ये आज हम डिस्कस करेंगे, आईबीए के इन्विजिलेटर्स की एक लिस्ट पब्लिश हुई है जो कि कल से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल कर रही है। ये वो लिस्ट है जिसको हम देखेंगे। ये शो हो रहा है, इसमें मेंशन हुआ हुआ है कि लिस्ट जो है टेस्ट सेंटर आईबीए पब्लिक स्कूल हैदराबाद मैनेज बाय आईबीए यूनिवर्सिटी और मीन्स कि ये जो लिस्ट पूरी आई हुई है, 7 पेजेस की लिस्ट है। ये आईबीए के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं हैदराबाद में, ये उसकी लिस्ट है। उनकी तमाम इन्विजिलेटर्स ब्लॉक वाइज लिस्ट आई हुई है पूरी, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें ये पेज नंबर 2 है उसका, नेक्स्ट ये पेज नंबर 3 है, नेक्स्ट ये पेज नंबर 4 है, सेम है ये पेज नंबर 5 है, ब्लॉक 116 से 130 तक। उसके बाद नेक्स्ट 131 से लेके 150 तक ये नेक्स्ट पेज है हमारा। उसके बाद ये फाइनल जो पेज है, इस पे पूरी डिटेल्स दी हुई है। टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, टेस्ट सेंटर का कोऑर्डिनेटर कौन होगा, लॉजिस्टिक और प्री टीम कौन होगी, हेड डेस्क पे कौन होंगे मेल फीमेल, बायोमेट्रिक टीम पे कौन होंगे, मेडिकल टीम में कौन होंगे और एंकर पर्सन कौन होगा, ट्रांसपोर्टेशन और के अरेंजमेंट्स किसके पास होंगे, आईटी सेंटर, सीसीटीवी कैमरास, बायोमेट्रिक सपोर्ट, सपोर्ट स्टाफ, एडिशनल इन्विजिलेटर्स वगैरह 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 ये हुए। तो ये रजिस्ट्रार की तरफ से जारी हुई है और इसकी एक कॉपी पीएस टू वाइस चांसलर और दूसरी कॉपी ऑल टू कंसर्न गई हुई है। तो दोस्तों, अभी ये है कि जैसा कि ये लिस्ट आई हुई है, लेकिन अभी हम अगर एसटीएस की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि लास्ट जो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई है, वो अनाउंसमेंट हुई है 9 तारीख की और वो है रिक्रूटमेंट टेस्ट अगेंस्ट वेरियस पोजीशंस सूफीज़म यूनिवर्सिटी भेड़शाह। मीन्स के एसटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस इन्विजिलेशन लिस्ट की कोई ना नोटिफिकेशन आया हुआ है ना कोई अनाउंसमेंट हुई है, और ये चूंकि सोशल मीडिया पे वायरल कर रही है तो इसको हम ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि सेम एज इट इज़, जैसे पिछली इनकी चीज़ें वायरल हुई थी वो इंडिविजुअल्स की तरफ से हुई थी, तो वो इंडिविजुअल मिस्टेक हो सकती है या उनकी निगलिजेंसी हो सकती है, ये इंस्टीट्यूशनल निगलिजेंसी नहीं हो सकती या इंस्टीट्यूशनल कोई हेर फेर नहीं हो सकती। सो इस वजह से आई वुड सजेस्ट कि ये जो लिस्ट आई हुई है, इस लिस्ट को ऑथेंटिकेटेड हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये पहले भी मैंने कहा था ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो इस तरह पब्लिक में लीक नहीं होता। और कुछ पोस्ट ऐसी भी वायरल हुई है जिसमें ये कहा गया है कि ये डॉक्यूमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट के किसी क्लर्क की तरफ से लीक हुआ है, इससे आईबीए की एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो मजीद हमारे साथ रहिए, जो भी